नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके एंटरटेनमेंट के न्यू एपिसोड में। दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि ट्रेन के सामने कुछ आने पर ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता और हादसे को क्यों नहीं रोकता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगर दूर से ट्रेन को देखो तो इसकी स्पीड कछुए के जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन जब ये हवा की तरह सनसनाती हुई तेजी से नॉन स्टॉप निकलती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे हटा कट्टा आदमी भी उसकी स्पीड से झूमता हुआ नजर आता है। भारत में ट्रेनों का नेटवर्क सबसे ज्यादा है और रोजाना लाखों यात्री ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेनों को लंबी दूरी के रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि पटरी पर कोई जानवर या इंसान गलती से रास्ते में आ जाता है। इसके बावजूद रुकने के बजाय ट्रेन उसे रौंदती हुई चली जाती है। दरअसल ड्राइवर की चले तो वह तुरंत ही ट्रेन को वहीं के वहीं रोक ले और किसी की जान बचा ले। आखिर वह भी इंसान है, उसका दिल भी किसी को कुचल कर जाने पर रो उठता है, लेकिन वह चाहकर भी ट्रेन को रोक नहीं सकता है। अगर ट्रेन की एवरेज लंबाई की बात करें तो इसमें कुल 20 से 22 कोच होते हैं। ये कोच एक दूसरे से एयर प्रेशर ब्रेक के जरिए जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी ब्रेक लगे तो कोच के हर पहिए पर समान रूप से दबाव हो। ट्रेन औसतन 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और तो और जब किसी स्टेशन पर ट्रेन को रुकना होता है तब ट्रेन ड्राइवर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू कर देती है। ट्रेन को रोकने की प्रक्रिया स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाकर शुरू कर दी जाती है। वैसे आमतौर पर तो ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल लगे होते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेन जंगल या पहाड़ों के बीच से गुजरती है तब वहां ट्रेन ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि आगे क्या है। ऐसे में उसके लिए 100 मीटर से आगे की कोई भी चीज़ देख पाना असंभव है। इस वजह से अगर ड्राइवर ने ट्रेन के बीच में किसी इंसान या जानवर को देख भी लिया तो वो 100 मीटर पहले ही ब्रेक लगा पाएगा। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगाने के 1.5 किलोमीटर बाद ही अपनी रफ्तार धीमी कर पाएगी, यानी कि ट्रेन के बीच में आने वाले का मरना तय है। एक बार मान भी लेते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक लगा भी दी तो आपको बता दे कि चलती हुई ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण ट्रेन से जुड़ी सभी बोगी गतिशील होती हैं। इसलिए ज्यादा स्पीड में ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसने यदि ऐसा किया तो पूरी ट्रेन हादसे का शिकार हो सकती है, और ऐसी गलती करने पर पहले भी कई ट्रेन बहुत से लोगों की जान ले चुकी हैं। अब किसी एक या दो लोगों की जान बचाने के लिए भला ट्रेन का ड्राइवर हजारों लोगों की जान से नहीं खेल सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी बताई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।